अगली खबर आ रही उत्तर प्रदेश की मथुरा में। स्टूडेंट ने अपने टीचर की बेदम पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो विद्यापीठ इंटर कॉलेज का है। टीचर की शिकायत पर स्टूडेंट के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जानकारी के मुताबिक स्टूडेंट टीचर के बीच हुई मारपीट का यह मामला मथुरा के वृंदावन थाना इलाके के विद्यापीठ इंटर कॉलेज का है। मारपीट की यह घटना बीते गुरुवार की है, जो क्लास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया गया है कि शहर के गौधूलीपुरम के रहने वाले पंकज सिंह पुत्र जगदेव सिंह वृंदावन विद्यापीठ इंटर कॉलेज में साल 2004 से सहायक अध्यापक के पद पर काम कर रहे हैं। पंकज यहां छात्रों को मैथ्स पढ़ाते हैं। बीते गुरुवार को पंकज 10वीं की क्लास में इस विषय को पढ़ा रहे थे। क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट थे। इस दौरान उन्होंने एक स्टूडेंट को खड़ा करके उससे मैथ्स की किताब और कॉपी दिखाने के लिए कहा। छात्र के पास ना तो विषय की किताब थी और ना ही कॉपी। इस बात पर टीचर पंकज का पारा चढ़ गया तो उन्होंने छात्र को डांट लगाई, साथ ही क्लास से बाहर निकल जाने को कहा। वीडियो में भी देखा जा सकता है कि छात्र बाहर निकलते हुए पंकज को कुछ कहता है। इस पर पंकज उसे अध्यापक होने के हक से पीठ पर जोर से मारते हैं। तभी छात्र पलटता है और उन पर हमला कर देता है। पंकज का गिरेवा पकड़कर उन्हें टेबल पर गिरा देता है और मुक्के जड़ देता है। दोनों पलटता देख क्लास के दूसरे स्टूडेंट्स आरोपी छात्र को पकड़कर अलग करते हैं। वृंदावन थाना पुलिस के इंस्पेक्टर सूरज पाल शर्मा ने बताया कि छात्र ने टीचर पर हमला किया है। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। टीचर की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। अब इसके बाद में